भाई मेरे शेरों तैयार हो। कल पहला दिन है एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम का और गर्दा उड़ा के आना है हमने। अभी नेचुरली आपके मन के अंदर नर्वसनेस होगी और ये डर होगा कि यार कहीं पेपर खराब ना हो जाए, मैं कोई गलत काम ना कर दूं। ये हर एक कैंडिडेट के मन में होगा और एक ये भी आपके मन में होगा कि यार मेरे को वहां पर जाके परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है। और आप अपने दिमाग के ऊपर एक प्रेशर लेके बैठे होंगे कि यार 100 क्वेश्चन है, हर एक को बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो आपको एक बात बता दूं, आपको वहां पर जाकर परफॉर्म नहीं करना है। आप एक वेपन बन चुके हो, आपके अंदर कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स, कुछ प्रैक्टिस आपके अंदर भरी हुई है कि नहीं, प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, रिलेवेंट प्रैक्टिस की है। हमने बिल्कुल रिलेवेंट प्रैक्टिस की है। तो जो क्वेश्चन आपने किए हैं, अगर वैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर देंगे। फिर भी अभी आपके मन में डर होगा कि पता नहीं एक आधा छूट ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा छूट गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर दोगे। जो आपके लिए सीरीज चलाई थी चैप्टर वाइज, अगर वैसे क्वेश्चन आए और उनको भी अगर आप कर दोगे, वो टॉप के क्वेश्चन थे, टॉप के, उनसे बढ़िया क्वेश्चन पिछले साल एसएससी के किसी एग्जाम में नहीं आए, वो टॉप के क्वेश्चन थे। तो आप एक सॉलिड तैयारी के साथ बैठे हो, आप एक वेपन हो, आपको बस वहां पर प्रेजेंट होना है। देखो, आपको परफॉर्म नहीं करना, आपको वहां पर बस प्रेजेंट होना है। आपके अंदर कुछ स्किल सेट है, एग्जैक्टली वही चीजें आने वाली हैं जो आपने पढ़ी हैं। तो अगर वही चीजें आएंगी जो आपने पढ़ी है, तो नेचुरली आप उसका आंसर कर दोगे। अगर आप उसको रिलैक्स होकर पढ़ोगे, काम होकर पढ़ोगे, तो अपने ऊपर ये प्रेशर मत लो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे वही चीजें आने वाली हैं, एक आधी चीजें अनएक्सपेक्टेड आएंगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़े से इस तरीके से आ जाए, उस टाइम आपको अनईजी लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देना। गलत क्वेश्चन के साथ पंगा नहीं लेना। हमने बस करना क्या है, हमने ये करना है कि क्वेश्चन को पढ़ा, अगर आपको ये लगा कि हाँ भाई अपना भाई है, पहले कर रखा है, पहले देख रखा है, तो उसको कर दो। अगर आपको थोड़ा सा अटपटा लगा, समझ में नहीं आया, तो तुरंत छोड़ दो, क्योंकि आप टाइम के अगेंस्ट मार्क्स वहां पर खरीद रहे हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है वहां पर। समझ में आ गई बात? बस ये इतना सा कंसियस होना है आपको एग्जाम के अंदर, बाकी आप कर ले जाओगे। बिलीव में टीयर वन में बढ़िया तैयारी की हमने, बढ़िया परफॉर्म करेंगे। टीयर टू में भी आपके साथ हूं, टीयर टू करके लेके आओ, फिर टीयर टू भी करेंगे, दावे के साथ कर रहा हूं, जबरदस्त तैयारी के साथ करेंगे। हैं, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में दुआ दुआ कर देंगे। तो टीयर वन कर लोगे आप डेफिनेटली, अपने ऊपर उम्मीद करो, मुश्किल नहीं है, लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं हर साल, आप डेफिनेटली करोगे, अपनी तैयारी की है। तो एग्जैक्टली वही चीजें आने वाली हैं जो आपने पढ़ी है। तो परफॉर्मेंस का प्रेशर हटा दो, बस आपने करना क्या है, वहां पर क्वेश्चन पढ़ना है। अगर लगे टाइम वेस्ट कराएगा तो छोड़ना है, अगर लगे हो जाएगा तो कर देना है। और बस ये क्वेश्चन को स्किप करने का, ना करने का, मैं तो रीजनिंग में ही आएगा आपके सामने, इंग्लिश और जीके में तो आप कर ले जाओगे, उसमें तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो मन को लाइट रखो, कुछ परफॉर्म नहीं करना हमें, हम जैसे हैं हमें वैसा ही वहां पर प्रेजेंट होना है, और बस काम रहना है, हड़बड़ाना नहीं है कि बिना वजह हड़बड़ा गए हैं। ठीक है, एक आधी चीजें अनएक्सपेक्टेड होंगे, एक आधे क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर दोगे, ये नहीं है कि आप 100% परफेक्ट मारोगे, एक आधे क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर दोगे तो, पर कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्शन नहीं चाहिए वहां पर, मैक्सिमम मामला ठीक बैठना चाहिए। एक आधे क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाए, एक आधे में टाइम वेस्ट हो जाए, मैक्सिमम जगह पर अगर मामला ठीक बैठेगा, 100 क्वेश्चन है, 100 मौके आपको मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम में अगर बढ़िया डिसीजन रहा तो आपका टीयर वन बढ़िया मार्क्स से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट करो अपने मन को एग्जाम में जाने से पहले। उम्मीद है कि आज बुक नहीं उठाई होगी, थोड़ा सा भाई अपने घर वालों से, दोस्तों से बात कर लो, हैं, और अभी बुक मत उठाना एग्जाम तक बिल्कुल भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। नीचे कमेंट कर सकते हो, हैं, अपने दिल की बात आप बता सकते हो हमें, हमें भी पढ़ के अच्छा लगेगा। ठीक है, लव यू।